सभी अतिथि अध्यापकों को मेरा नमस्कार। अरे दोस्तों, जैसे हमारी जो ग्रेजुएटिव सर्विस की जो फाइल एफडी में थी और उस पर कोई क्वेरी वगैरह लगी हुई है और 12 तारीख को एसीएस राजेश कुल्लर जी के पास पहुंची और आज 13 तारीख को जो है वो डायरेक्टर ऑफिस जो हमारी ग्रेजुएटिव सर्विस की जो फाइल है सर्विस रूल्स की वो डायरेक्टर ऑफिस है। यदि कोई क्वेरी भी है तो चिंता करने की ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि ये क्वेरी जल्दी ही यहाँ से रिमूव होके दोबारा जो है फाइल शायद एफडी जाए, लेकिन अब इस फाइल में इतना जो है वक्त ना लगे, समय ना लगे। यदि आप सब लोग जो है जो साथी एक्टिव रहे तो ये जल्दी फाइल जो है निकल सकती है। तो सरकार पर दबाव डालने के लिए मेरा यही आपसे भी सभी से निवेदन है कि सभी एकजुटता का परिचय दें और व्हाट्सएप ग्रुपों पर बार बार जो है बहस करने के बजाय कोई ठोस कार्यक्रम बनाकर जिस तरह दूसरे जैसे दूसरे अपने संगठन हैं, अतिथि अध्यापक संघ हैं, लिपिक जो अपने साथी हैं जैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो साथी जल्दी कोई ना कोई निर्णय लें, सरकार पर प्रेशर दबाव डालें और लगातार जो है ऑफिस में भी एसीएस साहब कुल्लर से और दूसरे अधिकारियों से मिलते रहें। दोनों तरफ से आप प्रयास जारी रखेंगे तो लेटर जल्दी जो है निकल सकते हैं। और साथियों, आगे जो आपकी जो नियमित होने की जो मांग है वो इन लेटर के निकलने के पश्चात जो है जल्दी आप उसको भी अचीव कर सकते हैं और काफ़ी आपका बेनिफिट हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जुलाई का महीना भी जाने वाला है और बहुत कम अब समय एक महीने के करीब रह गया है। एसीएस जो अपने कुल्लर साहब हैं, अगर वो उनका टाइम भी इसी तरह निकल गया तो साथियों बहुत फिर लंबे समय तक आपको जो है किसी भी लेटर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों से अनुरोध है कि सभी एकजुटता का परिचय देते हुए जल्दी से जल्दी एक जो है ज्वाइंट कमेटी बनाए और जितने एक्टिव मेंबर्स हैं 15-20 मेंबर जो भी सभी संगठनों से हैं उनको साथ लेकर आगे बढ़ें और कोई संघर्ष का कार्यक्रम जल्दी बनाएं। अन्यथा यदि टाइम एक महीना भी इसी तरह निकल गया तो आगे आपके लेटर के लिए जो है बहुत मुश्किल होगी। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ग्रुपों में डाल रहे हैं कि जैसे ग्रेजुएट की फाइल नहीं निकलेगी, सर्विस रूल की फाइल नहीं निकलेगी, क्वेरी पहले भी लग चुकी है, लेकिन क्वेरी जो है जल्दी यहाँ से रिमूव होके जो है दोबारा ये लेटर जल्दी से जो है जारी हो सकता है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाएं और सरकार पर दबाव डालने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम जो है जरूर रखें और आधिकारिक स्तर पर भी जो है मिलकर, चाहे शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इनसे भी मिलकर जो है प्रयास करें कि लेटर जल्दी से जल्दी जारी हो और उसके बाद आप जो नियमित होने का जो आपका लक्ष्य है वो हम अगस्त के महीने से जो है उस पर जो है पूरी तरह से कार्य कर सकें। तो साथियों, मेरा आपसे जो है पुनः अनुरोध है कि एकता का परिचय दें, सभी साथी जल्दी से जल्दी जो है सभी संगठनों की एक मीटिंग करके एक ज्वाइंट कमेटी बनाएं और संघर्ष को जो है एक नई रूपरेखा दें, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए कीमती है। और जो ये आपके लेटर्स हैं, चाहे ग्रेजुएट सर्विस बोर्ड का लेटर है, चाहे मेडिकल का है, पीएस का है, तो ये जल्दी से जल्दी निकलें और एसीएस कुल्लर साहब जो हैं उनके रिटायरमेंट होने से पहले निकलें तो आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। और जो आपकी मांग जो है बेसिक प्लस डीए की और दूसरी जो नियमितीकरण की जो मांग है उस पर भी आपकी काफ़ी अचीवमेंट हो सकती है। लेकिन पहले हमारा लक्ष्य ये है कि जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके जो है ये लेटर निकलें, उसके बाद जो है अगले कार्यक्रम जो आपके चलेंगे, बढ़ चढ़ कर जो आपकी मांगे होंगी सरकार से वो भी जो है हम सरकार पर प्रेशर पा के दबाव डाल के जल्दी से जल्दी उनको पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि धैर्य पेशेंस बनाए रखिए, लेटर 101% जो है जारी होगा। आप जो है संघर्ष रखें सरकार पर दबाव डालने के लिए जो है बातचीत के माध्यम से, और दोनों को कोई ना कोई जो कार्यक्रम जल्दी जो है सरकार के खिलाफ जो है आप घोषणा करें, क्योंकि बिना दबाव के जो है जो काम आपका 15 दिन में होगा, यदि आप दबाव डालेंगे तो काम जो है आपका 8 दिन के अंदर अंदर होगा। लेटरों में ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, जल्दी से जल्दी ये लेटर जारी हो सकते हैं। तो साथियों,
जो है मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी किसी कार्यक्रम की घोषणा करें और एक ज्वाइंट कमेटी सभी संगठनों की बनाकर सभी संगठनों को साथ लेकर एक समय रखें और जल्दी से जल्दी जो है कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।